हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सान ऑटो। दोस्तों, आज की वीडियो रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग बाइक रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और शॉटगन के बारे में है। फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद हंटर 350 के लॉन्च डिटेल्स सामने आ चुके हैं, साथ ही में इस बाइक के प्रोडक्शन मॉडल भी रिवील हो चुके हैं। स्क्रीन पे आप अभी जो पिक देख पा रहे हैं, बाइक लॉन्च होने के बाद जो है कुछ ऐसी ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, अभी रिसेंटली ही रॉयल इनफील्ड ने 1 सितंबर को क्लासिक 350 के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को लॉन्च किया है। इसके साथ ही अब रॉयल इनफील्ड हंटर 350 में अपनी फोकस रखने वाली है। इस बाइक की अभी जो है फिलहाल टेस्टिंग चल रही है और कई बार इसे टेस्टिंग के दौरान भी स्पॉट किया गया है। अभी तक आ रहे रिपोर्ट्स के हिसाब से कंपनी अब इस बाइक के टेस्टिंग को कंप्लीट कर चुकी है और जल्द ही ये बाइक आप अपने पास के शोरूम में देख पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ये बाइक कब तक लॉन्च होगी, कितना इसका प्राइस रहेगा और क्या क्या न्यू फीचर्स इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी आने वाले टाइम में कोई न्यू बाइक परचेस करने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ये आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, रॉयल एनफील्ड हर 4 महीने में अपने बाइकों के लाइनअप में एक न्यू मॉडल को ऐड करती जा रही है। अभी तक 2021 में रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350, हिमालयन की अपडेटेड मॉडल और 650 ट्विन्स में भी अपडेट किया है। इसी के साथ ही अभी रिसेंटली 1 सितंबर को क्लासिक 350 की नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को भी लॉन्च किया गया है और इसके बाद हंटर 350 को भी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ में ही आपको फ्लैगशिप क्रूजर 650 भी देखने को मिलेगी। रॉयल एनफील्ड इस साल के लास्ट तक कई अपने न्यू बाइक्स को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिनमें से कुछ बाइकों को अभी रिसेंटली स्पॉट किया गया है और अभी तक जो है इस बाइक की कुछ ज़्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई थी, बट अभी आ रही लीक से बहुत सारी चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये रॉयल एनफील्ड की 350cc की बाइक होने वाली है, जिसमें आपको मीटियोर 350 के जैसा ही सिमिलर इंजन देखने को मिलेगा। मार्केट रिस्पॉन्स से ऐसा लग रहा है कि मीटियोर 350 का इंजन अब तक की रॉयल एनफील्ड के सबसे रिफाइंड और कम वाइब्रेशन वाला इंजन है। यही रीज़न है कि यहाँ पे रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में मीटियोर 350 का इंजन यूज़ कर रहा है। इसमें आपको सेम मीटियोर से मिलता जुलता पावर, स्पेक्स और फीचर्स देखने को मिलेगा और रॉयल एनफील्ड जो है एक अफोर्डेबल प्राइस टैग के साथ 350cc का न्यू मॉडल लॉन्च करना चाहती है। लुकिंग वाइज अगर इसको देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये बाइक मेनली कंपटीशन देने वाली है होंडा की हाईनेस सीवी 350 आरएस को। और दोस्तों, इसके सीट हाइट को काफ़ी कम रखा गया है और इस बाइक को जो है मेनली लोगों के फीडबैक और नीड के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। ये भी एक मेन रीज़न माना जा रहा है इस बाइक के लॉन्चिंग के डिले होने के लिए। ये बाइक थोड़ी सी लाइट वेट होने वाली है। इसका डिज़ाइन इंटरसेप्टर 650 पे बेस्ड रहने वाला है और इसमें जो है जे फ्रेम यूज़ किया गया है, जिससे कि बाइक के वाइब्रेशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। अब फाइनली बात करते हैं इसके लॉन्चिंग डेट और प्राइस की। तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग डेट 2021 का दिसंबर देखने को मिल रहा है और इसका प्राइस 195,000 एक शोरूम तक रह सकता है।